लोकसभा चुनाव खत्म हो गया लेकिन देश के राजनीतिक पार्टीज इस वक्त टेंशन में हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 22 जुलाई को चुनावी बॉन्ड मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने बॉन्ड के लेन देन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की। इस मामले पर अब 22 जुलाई को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्थरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। दोनों एनजीओ की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने याचिका लगाई। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि इससे जुड़ी बाकी याचिकाओं को भी एक साथ सुना जाएगा। लोकसभा चुनाव शुरू होने के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया था, जिसके बाद मार्च में इसको लेकर याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के दो मांगे रखी गई। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन की जांच एसआईटी से कराई जाए, ये जो मांग रखी गई वो हम आपको बता दें। देखें, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की दो मांगे रही हैं। वो दो मांगे कौन कौन सी थी वो आपको एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता ने जो वहाँ पर अपील की है, उसकी मांग यही कि कॉरपोरेट राजनीतिक दलों के बीच लेन देन जो हुई है उसकी जाँच के लिए एसआईटी का गठन हो, एसआईटी से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करे, ये भी मांग की गई है। अब देखिए, घाटे में चल रही कंपनीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को आखिरकार कैसे फंडिंग की, ये सवाल पूछे गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्टोरल बॉन्ड में मिली राशि वसूल करे। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्टोरल बॉन्ड में मिली राशि वसूल की जाए, ये मांग की गई और ये कहा गया है क्योंकि ये अपराध के जरिए कमाई गई राशि है और इसी वजह से ये मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का ये दावा है कि कंपनीज ने फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को बॉन्ड के जरिए फंडिंग की। इसमें सरकारी काम के ठेके, लाइसेंस पाने, जाँच एजेंसीज की जाँच से बचने, पॉलिसी में बदलाव शामिल है। आरोप है कि घटिया दवाइयाँ बनाने वाली कई फार्मा कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का उल्लंघन है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस पार्टी को कितना चंदा मिला, वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। टीएमसी 1609, ये करोड़ में आंकड़ा है। कांग्रेस 1421 करोड़। इसी तरीके से बीआरएस का जो डेटा है वो कहता है कि 1214 करोड़ ये चंदे की राशि है। बीजेडी 775 करोड़, डीएमके 639 करोड़। इसी तरीके से वाईएसआर कांग्रेस की अगर बात करें तो उसे 337 करोड़ चंदे के तौर पर मिला। शिवसेना को 158 करोड़, आरजेडी को अगर बात करें तो 72 करोड़ 50 लाख, ये चंदे की राशि है जो कि हमने आपको बताया। अब हर किसी को इंतजार है 22 जुलाई का, जिस दिन चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई होने वाली है।